बालाजी, बाजी ने आपकी आज्ञा का पालन किया है, उसने तलवार नहीं उठाई। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा आज्ञाकारी होना भी अच्छा नहीं है। बाजी ने हमारे आदेश का उल्लंघन करके अपने प्राण संकट में डाल दिए हैं। वो भूल गया है कि वो सहायक है, सैनिक नहीं। एक निहत्ते पर वार नहीं कर सकते। यह जंग के उसूल के खिलाफ है। अच्छा, जब तू दौलताबाद के निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो ये उसूल कहां गए थे? जब तू लोगों के हाथ काट रहा था तभी उसूल कहां गए थे? तूने हाथ काटे थे ना, पर ये भूल गया, चींटी को हाथ से नहीं पांव से मसला जाता है। तेरे लिए तो हमारे पांव ही काफी है। इसे उसी स्थान पर मारे जहां मैंने मारा है। वाह बाजी वाह। गप्पी जैसी छोटी मछली से लड़ने में सारी शक्ति लगा देंगे तो मगरमच्छ का शिकार कैसे करेंगे? जल्दी कीजिए। हमारे सिपाही दुश्मनों से हार कर वापस हमारे पास ही आ रहे हैं। इन्हें खुदा के पास भेज दो, तीर चलाओ। ये कैसी सेना है जो अपने सैनिकों का वध करने में कोई संकोच नहीं करती? ये वीरता नहीं, क्रूरता है। आ,
वापस अपने अपने स्थान पर आइए। अब ठीक है बालाजी, अपने इस पराजय के बाद कमरुद्दीन और नासर अपनी सबसे बड़ी सेना को भेजेंगे और तब हम अपनी योजना पर काम करेंगे। हमारी फौज दो हिस्सों में बंटकर हमला करेगी। बालाजी और उसके पिल्ले को पाले खान की मौत का हिसाब देना होगा। हम इन मराठियों को घोड़ों के ताबों के नीचे कुचल देंगे। कमरुद्दीन ने अपनी सेना को दो भागों में क्यों विभाजित कर दिया? क्योंकि वो अपनी सेना के दो भागों को चक्की के पाटों की तरह प्रयोग करेगा, जिनके बीच हम पिसेंगे। सेना का एक भाग हमें युद्ध में उलझाएगा और दूसरा हम पर पीछे से आक्रमण करेगा। अब हम क्या करेंगे बालाजी? हमारी त्रिशूल व्यूह युक्ति तो काम नहीं करेगी। अब कोई युक्ति नहीं, अब तो मात्र शौर्य का सहारा है खास। अब हमारे पास शत्रु को चकित करने का कोई उपाय नहीं है। यही सही समय जब हम अपना चमत्कार दिखाएंगे। बाजी, उन्होंने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर लिया है। अब तो हमारा चमत्कार भी केवल एक ही भाग को नष्ट कर सकता है। हम जितनों को हरा सकेंगे हराएंगे और जिनको मार सकेंगे मारेंगे। काश हमने बाजी की बात मान ली होती और मुगलों को हराने की कोई अनोखी युक्ति सोची होती। बाजी, बालाजी, बाजी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है बाजी? बाजी ने युद्ध को क्रिया समझ लिया। बालाजी, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। नहीं खास, थमा। आप हमारे सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। एक बालक की नादानी के लिए हम आपको युद्ध भूमि से नहीं हटा सकते। पर बालाजी, बाजी आपका पुत्र है। इस समय मात्र वो एक सहायक है जिसने अपने सेनानायक के आदेश का उल्लंघन किया। आई भवानी, आज मेरा पुत्र मेरे पति के साथ पहली बार अपने मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने गया है। तदोगना शक्ति दे आई। बाजी को मैंने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए युद्ध पर जाने का मार्ग तो दिखा दिया माँ, अब वापस लौटने का मार्ग मुझे दिखाना होगा। जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं लौट आता, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। उतार दो ये सुहाग की चूड़ियां, मिटा दो ये कुमकुम। और उतार दो ये मंगलसूत्र। उतारो, उतार दो इसे, उतारो। क्या हो रहा है ये? उठिए, उठिए। क्या हो रहा है ये? हाँ, एक सुहागन से तो स्वयं भगवान भी उसका मंगलसूत्र नहीं छीन सकते, और आप इनके सुहाग की सारी निशानियां मांग रही हैं? ये हमारे गांव की परंपरा है। जब पुरुष युद्ध पे जाते हैं तो औरतें स्वयं विधवा का रूप धारण कर लेती हैं। ये पति के बिना जीवन जीने का अभ्यास है, क्योंकि हमारे पति को युद्ध क्षेत्र में नहीं साक्षात मृत्यु के द्वार पर गए हैं, और वहां से कोई लौट कर नहीं आता, कोई नहीं।
अब चाहे जो कर लो मराठियों, मौत तुम्हें ढूंढ ही लेगी। बालाजी विश्वनाथ भट्ट का डरपोक बेटा मैदान जंग छोड़कर ही भाग गया। बाजी, बाजी बैल पर क्या कर रहा है? अनुमला अंगड़ी बांध से क्या करने वाला है? हम वो मराठी हैं जो हार कर भी हार नहीं मानते, और आप मात्र हार की संभावना से हार मान रही हैं। गांव वाले कुछ मोगलों से सही से लड़ नहीं पाए तो 4000 की सेना से क्या लड़ेंगे? ये असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है। 100 कौरवों से मात्र 5 पांडव लड़े थे ना? छत्रपति शिवाजी महाराज मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बड़ी से बड़ी सेना पर भी भारी पड़े थे, तो हमारे 40 4000 पर भारी क्यों नहीं पड़ सकते? सुहाग को खोने के बाद एक नारी का सुहाग के साथ रिश्ता मिट सकता है, इस मिट्टी के साथ नहीं। इस मिट्टी के साथ हमारा कर्तव्य तब भी वैसा का वैसा रहता है। अगर तारा रानी साहिब ने अपने पति के मृत्यु के बाद इस मिट्टी से रिश्ता तोड़ दिया होता तो अब तक हम मुगलों के दास बन गए होते। नारी दासी नहीं होती, साथी होती है, अर्धांगिनी होती है। अगर पुरुष के मन में महादेव का वास है तो नारी के मन में शक्ति का वास होता है। अगर पुरुष शस्त्र धारण करता है तो नारी विश्वास धारण करती है। हमें साहस नहीं हारना है। अगर नारी साहस हार जाएगी तो पुरुष भी युद्ध हार जाएगा। पुरुष अगर शस्त्र को धारण करता है तो नारी विश्वास को धारण करती है, और मुझे विश्वास है ये जीत के आएंगे। हमारे लोग, हमारे मराठी जीत के आएंगे। जय भवानी। शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय भवानी। शहजादे को कुछ चाहिए? शहजादे को सब कुछ चाहिए। तुमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें शहजादे हिंद की सौबत नसीब होगी। हमने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया और अब तुम हमारा ख्वाब पूरा करोगे। ये लो, और इसे बादशाह सलामत के दलिये में मिलाना। उनकी मौत होते ही हम हिंदुस्तान के शहंशाह बनेंगे, और तुम बनोगी हमारी खास बांदी। शहजादे, मैं ये नहीं कर सकती। वहां बहुत सख्त पहरा है, अगर मैं पकड़ी गई तो वो मेरी जान ले लेंगे। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उनसे पहले हम तुम्हारी जान ले लेंगे। समझदार हो?
कमबख्त बाजी अब कर क्या रहा है? बालाजी, बाजी ये कौन सी नई युक्ति कर रहा है? बाजी क्या सोचता है, क्या करता है बाजी बता सकता है? हम तो बस आशा करते हैं कि उसकी ये युक्ति मुगलों पर भारी पड़े, हम पर नहीं। अब ये मराठी कौन सी नई तरकीब लेकर आए हैं? मार देंगे और अगर पीछे गया तो नासिर के तीर मार देंगे। अब क्या करूं? बाजी ने ये चाल सोची कैसे? हमें नासिर के गाड़ी से जो बारूद मिला था हम उसका प्रयोग करेंगे। हम उस बारूद को भूमि में ऐसे गाड़ेंगे कि जैसे ही उस पर किसी के कदम पड़ेंगे वो ज्वालामुखी की तरह फटेगा। अगर बारूद बिछा भी गया तो 40 लोग इतनी बड़ी मुगल सेना को उस बारूद की तरफ लेकर कैसे जाएंगे? पति पति बेग बुलाए आए जूथप जूत नाना बरन अतुल बल भानर बाल बरूद। सुंदर कांड के इस चौपाई का अर्थ है कि विकट और विकराल वानरों से बनी श्री राम जी की सेना जब आगे बढ़ी तो पर्वत कांपने लगे, सागर थरथरा उठे और वो वानर उत्साहपूर्वक जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो जब श्री राम जी युद्ध में वानरों की सहायता ले सकते हैं तो फिर हम इन पशुओं की सहायता क्यों नहीं ले सकते? Thank you.
हमारी आधी फौज हमारे ही बारूद में मारी गई।